सीन नंबर वन, हमें बाइक रेंटल शॉप में जाकर वहाँ से बाइक उठानी है। सीन नंबर टू, जो कि आपको स्टोरी में आगे पता चलेगी कि हम क्यों बाइक रेंट पर ले रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। हेलो, माई सेल्फ सौरभ और मैं मेरे बिताए पलों को उन्हें सहज के आपके साथ बांटने की कोशिश करता हूँ। पर आज की स्टोरी उस समय की है व्हेन आई ट्रैवल फॉर माई सेल्फ। तो बात ये एक दिन पहले की है जब मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने प्लान बनाया कि दल्हा पहाड़ चलते हैं। फिलहाल अभी हम लेट हो चुके हैं। अब आप कहेंगे ये दल्हा पहाड़ कहाँ है? तो दल्हा पहाड़ बिलासपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में उपस्थित है। बिलासपुर के अराउंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस में से एक है, जहाँ से आप सुकून महसूस भी नहीं सुकून देख भी सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि हम ये पहाड़ चढ़ पाए या नहीं, ये जानने के लिए आप ये व्लॉग देखते रहिए। सिनेमैटिक लेने में यही दर्द है कि कैमरामैन पीछे रह जाता है और उसके बाद जाकर हमें बैठना पड़ता है। हो गया, भाग कर चल गया। हाँ, कहानी शुरू करने से पहले मैं इन कुछ किरदारों से आपको रूबरू कराना चाहूँगा। ये है संजू, दिल लगाने वाला। ये है सीतेश, दिल बहलाने वाला। और ये है पंकज, दिलों को मनाने वाला। और ये रहे हमारे महेंद्र भाई साहब, दिलों से शरमाने वाले। और ये रहे हमारे सुभांशु। हाय गाइस, अपना देख रहे एकदम अपना हीरो बन गया देख रहे हैं। गूगल दीदी का सहारा लेते हुए, कच्चे रास्तों का सामना करते हुए और एक दूसरे की टांग खींचते हुए। दोस्तों, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ा हादसा होने से अभी बचा, मतलब है ना, यहाँ से टर्निंग था तो हमारा सुभांशु टर्निंग नहीं कर पाया। मैंने बताया हमारे साथ है, बोल मेरी वजह से बच गए। अरे कुछ नहीं है, बच्चे तो सबकी वजह से पड़ जाते। इन भाई साहब को थोड़ी ना पता है कि आने वाली एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हम अब पहुँच चुके थे दल्हा पहाड़। एकदम सामने आ रहा ऐसे लगे है ना पहाड़। यहाँ थोड़ा ऊपर है रोड, जिस वजह से गाड़ियाँ चढ़ नहीं पा रही है। देखते हैं, धक्का देना पड़ेगा लग रहा है। धक्का दे, धक्का दे, जोर लगा के। सो फाइनली वी जस्ट रीच आवर डेस्टिनेशन। यहाँ गाड़ी पार्किंग करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमने गाड़ी को जैसे तैसे ऊपर चढ़ाया और पार्किंग करा कर हम साइड वाले पहाड़ी रास्ते से ऊपर की ओर चल पड़े। ये रहा पहाड़ी रास्ता। ये रहे मेरे लौंडे। अभी यहाँ अपने को चढ़ान करके जाना पड़ेगा, बहुत ही ऊपर है रास्ता। अभी से ही दिल की धड़कने तेज हो चुकी है और पैरों में दर्द हो गया है, है ना। मेरे दोनों लौंडे, अभी एक एक मेरा लड़का है जो अभी शूट कर रहा है और एक उसे पीछे। बहुत ही चढ़ान है भाई, हालत खराब, हालत बैंड हो जाएगा भाई। भाई मैं लुढ़क जाऊंगा तो मेरे को उठा कर ले जाएगा क्या? ठीक है ठीक है, मैं फिर ऊपर चढ़ जाऊं। जहाँ तक मैंने एक YouTube वीडियो में देखा था, मुझे इसके बारे में उतना डिटेल नहीं पता, बस उसमें बताया गया था कि आपको लगभग
दो किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद, ठीक है, मतलब अच्छे खासे मस्त ऊबड़ खाबड़ रास्तों में है ना चलने के बाद आपको पहाड़ चढ़ने होंगे, ठीक है, ठीक है, पहाड़ की जो टॉप है उसे हमें रीच करनी होगी। तो एक तरह से मेरा पहला एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही मज़ेदार। राजू भैया, राजू भैया स्वैग है। पसीना देख रहे गाइस, सौरभ सौरभ को तो देखो गाइस, थकते थकाते 10 मिनट चढ़ने में मुझे भी पसीना आते हुए, मैं पागल था जो इसमें आया भाई। 20 रुपए ले ले, लैंड करा दे यार भाई, लैंड करा दे बस भाई मेरे। और भी बाकी है, देख सकते हो पसीना कैसे आ रहा है, पहाड़ी बाकी मेरी जान। और यहाँ पे सौरभ लिफ्ट नहीं कर रहे, कुछ बोलना चाहेंगे भाई सौरभ, कैसा लगा? इंजॉयमेंट निकल गया भाई, पूरा सारा का सारा इंजॉयमेंट एकदम हाई लेवल पे, हाई लेवल पे। सही अभी जिन भाई साहब को थोड़ी ना पता है कि आने वाली एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल की होने वाली है भाई, गिर गया नहीं चला, इतना खराब रास्ता और पसीना पसीना हो गए हम भाई। चल 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 अबे चलना ना, अभी तो आधा नहीं आएंगे आगे। देखो गाइस मेरे को बुलाते हैं लेकिन मैं थक गया हूँ, वीडियो बनाएंगे तो फिर देख सकते हो हालत खराब हो गई है, अब बैग भी पकड़ना पड़ेगा। एक स्टेप वॉच तो पसीना होना पक्का है, पसीना से थर थर काँप रहा है। सब ने हिम्मत हार लिया कहाँ है भाई, है ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से अबे केक काटेंगे बोल रहे हैं, ये लोग चक्कर आ रहे हैं, नहीं चढ़ पाएंगे बोल रहे हैं, देख रहा हूं सुन रहे हो ना जा भाई, फिर तू ही चढ़ जा। मैन सारे पहुंच गया अभी, मैन बोल रहे भाई नहीं आ पाओगे भाई, गाना बताना हमारे दो वंडरलस्ट के 14 ऊपर की चढ़ाई कर चुके हैं, पता नहीं हमसे बहुत दूर निकल चुके हैं, तो अभी उन्हें वापस बुला रहे हैं, चल भाई चल चल जल्दी आओ, नहीं हो पाएगा लेना इधर ही आओ बोल रहे हैं। ये बनता था वंडरलस्ट का 14, अभी पूरा लस्ट लस्ट हो चुका है वो। ये बनता था नेचर हॉलिक 14, ये पूरा हॉलिक हॉलिक हो गया, और उसे देख लो वो मर रहा, पूरा 14 का 14 मर रहा है, देख लो ऊपर में बैठ के। अबे तो यहीं पे कहाँ पे वहीं पे रुक रहा ना भाई, भाई तू दे दे भाई एक एक लेटर लिख कर दे दे, क्या बताने घर में नहीं तो केक काटेंगे ना, फोटो खींच के भाई मेरा बोल रहा हूं। चल पंकज एक लास्ट ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इस लास्ट ट्राई में अपना फाइनल डेस्टिनेशन रीच कर ले, अगर नहीं कर पाए तो आपको सीधा मिलेंगे नीचे, लेकिन कुछ भी हो जाए व्यूज मैटर, व्यूज भाई मतलब सीन, ठीक है ना, सीन मैटर्स, ठीक है। तो उसके लिए अपन कोशिश करते हैं कि अच्छे से चढ़ाई करें और पूरे ऊपर तक जाएं, टॉप फ्लोर तक। हाय ओके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था, एक्साइटमेंट अभी भी है, बस हिम्मत नहीं है, स्टेमिना नहीं है, है ना, बहुत ऐसा लग रहा है कि हमारा तबीयत डाउन हो जाएगा, लेकिन अब मेरा पहला ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस था, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक। कुछ पंकज की हालत तो आप देखिए, डेड एंड, डेड एंड हो चुके हैं, डेड। हमारे ग्रुप में पंकज और सितेश ने हार मान ली थी, तो दोस्तों मैंने भी हिम्मत हार लिया है, अब मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा, है ना, मैं यूज़ कम उतना मज़ा नहीं ले पाऊँगा, और मेरे से पहले जो सितेश और पंकज थे वो तो बीच में ही हार मान गए थे, मैं फिर थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा कि नहीं भाई नहीं भाई करके, लेकिन अभी ना थोड़ा सा पता नहीं सांस फूलते जा रही है अपने आप, स्टेमिना ख़त्म होते जा रहा है और बहुत ना अजीब फील हो रहा है, और अगर मैं अगर मतलब कुछ हुआ मतलब सर घुमा चक्कर टाइप सा कुछ आया तो सीधा नीचे जाएंगे भाई, लुढ़केंगे सीधे।
दलहपाट चढ़ते हुए मैंने भी बीच में हार मानी ली थी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी और हमें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था और मैं बैठ चुका था। और सबसे मेजर मिस्टेक, हम पानी लाना भूल गए थे। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोचा, भाई सौरभ अगर तू इतना दूर आ ही गया और यहाँ से वापस जाएगा तो ज़िंदगी भर तुझे रिग्रेट के सिवा और कुछ नहीं होगा। तो यही सोचकर मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और मैं ऊपर तक चढ़ा।